आपकी जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है, जैसा हमने बोला वैसा प्रस्तुत किया है, इसलिए आपका अपनी तारीफ हो, धन्यवाद के पात्र हो। हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सही के साथ है आपका मीडिया, और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हम आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने सच के साथ अपने व्यूवर्स को बढ़ाया है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है, मुबारकबाद आपको, बधाई। डीपीके मीडिया, किसानों का मीडिया डीपीके, किसानों का मीडिया डीपीके, पीके, किसानों का मीडिया डीपीके। डीपीके न्यूज अज तो पंजाबी च। डीपीके न्यूज वेख रहे सारे ही दर्शकों प्यार भरी सत श्री अकाल, मैं पिंकी चौधरी ते तुसी वेख रहे हो पंजाब न्यूज बुलेटिन। पंजाब च बेमौसमी मीह ने मचाई तबाही, किसानों कणक की फसलों का झाड़ कट्टण का डर। बेमौसमी बारिश ने किसानों के मत्थे दी चिंता दी लकीरां नूं वधा दिता है। एक पासे मोदी सरकार ने काले कानून ते दूजे पासे मीह की तबाही। आओ जानदे हां मीह मगरों पंजाब के किसानों का की हाल है। एक पासे पंजाब दा किसान दिल्ली दियां ब्रूहां ते खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण लई पिछले लंबे समय तो धरने ते बैठा है। उत्थे ही दूजे पासे कुदरत दी करोपी ने किसानां दे सांह सुका दित्ते हन। होली तो पहला देश भर विच मौसम दा मिजाज बदल रहा है। जिथे गर्मी तो राहत मिल रही है, उत्थे ही कईआं नूं मुश्किलां दा सामना भी करना पै रहा है। उत्तर तो लैके मध्य भारत तक हर पासे बारिश दा दौर शुरू होण वाला है। पंजाब दी गल कीती जावे तां बेमौसमी बारिश ने किसानां दे मत्थे ते चिंता दीआं लकीरां नूं वधा दित्ता है। बीती रात हो रही बारिश ते हनेरी ने कणक दी फसल धरती ते विछा दित्ती है। हुण किसानां नूं इह चिंता है कि ओह अपनी पुत्तां वांग पाली हुई फसल नूं कीवें वड्डणगे, क्योंकि जो कणक धरती ते डिग पई है ओह बिल्कुल खराब हो चुकी है। विसाखी मौके पाकिस्तान जावेगा सिख जत्था, केंद्र सरकार वल्लों जारी कीती गई विशेष हदायतां। केंद्र सरकार वल्लों सिख जत्थे गुरुद्वारे साहब दे दर्शन लई इजाजत दे दित्ती गई है, पर सिख जत्थियां नूं सरकार दी विशेष हदायतां दा पालना करना पवेगा। आओ जानदे हां केंद्र सरकार दे हदायतां। केंद्र सरकार ने सिख कौम लई एक नवी खुशखबरी दा ऐलान कीता है, जिस च सिख जत्थियां नूं विसाखी दे मौके ते पाकिस्तान जाण दी इजाजत दे दित्ती गई है। यह जत्था 12 अप्रैल तो लैके 21 अप्रैल तक पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके वापस परतेगा। इस तो पहला भी पिछले महीने केंद्र सरकार ने कोरोना का हवाला दंदे हुए सिख संगतां दे विशेष जत्थे नूं ननकाना साहब के शताब्दी मौके ते पाकिस्तान जाण तो रोक दिता सी। यह हदायतां मुताबक कोई भी जत्थे का मैंबर पाकिस्तान च प्रौणाचारी सद्दे नूं स्वीकार नहीं करेगा। पंजाब ते हरियाणा पिछले कई सालां तो पराली साड़न दी इक वड्डी समस्या बनी हुई है, पर इस समस्या दे निपटारे लई हुण पंजाब ते हरियाणा दिल्ली बनिया मॉडल अपनाउणगे। आओ जानदे हां की इह है नवा मॉडल। पंजाब ते हरियाणा च पराली साड़न दी समस्या दे निपटारे दे लई दोवें सूबे दे अधिकारी बायो डीकंपोजिट तकनीक राही पराली प्रबंधन दी कोशिश च लगे हुए हन। इस दे नाल ही आउण वाले समें च दोवें सूबिआं दे हरेक जिले विच बायो डीकंपोजर सेंटर खोले जाणगे। दस दईए कि हाल ही विच हरियाणा ते पंजाब तो सीनियर अधिकारियां दा वफद पराली दी समस्या नाल निजिठण लई दिल्ली गया सी, जिथे उन्हां ने दिल्ली सरकार दे मंत्री गोपाल राय नाल मुलाकात की। बैठक दौरान इस बारे भी विचार वटांदरा कीता गया कि बायो डीकंपोजर दी स्प्रे किन्नी प्रभावशाली है। इत्थे दस दईए कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बायो डीकंपोजर तकनीक का आविष्कार किया है, जिस दे राही खेत च पराली तो सीधा खाद बनती है। इस तकनीक नूं पुस्ता डीकंपोजर भी कहा जाता है। शहीद भगत सिंह दे 10 क्रांतिकारी विचार तुहाडे अंदर भर देणगे जज्बा ते जनून। भारत नूं आजाद करवाउण लई बहुत सारे बहादुर पुत्रां ने अपनी कुर्बानियां दित्तियां हन। इन्हां कुर्बानियां कारण ही देश अंग्रेजां दी गुलामी तो आजाद होया है। इन्हां विच ही शहीदां दे सरताज सन साडे भगत सिंह जी। आओ रूबरू करवाने उन्हां दी कुछ खास गल्लां नाल। 23 मार्च 1931 दी रात शहीद भगत सिंह नूं सुखदेव ते राजगुरु समेत लाहौर च साजिश रचन दे दोष तहत अंग्रेजी सरकार ने फांसी दे दित्ती सी। इतिहास दे पन्नियां च 23 मार्च दी तारीख सदा लई दर्ज हो गई।
इस तो बाद 23 मार्च नूं पूरे देश च शहीदी दिवस वजो मनाया जाण लग्या। शहीद भगत सिंह दा जन्म 28 सितंबर 1907 नूं पंजाब सूबे दे लालपुर जिले दे बंगा विखे होया सी। महात्मा गांधी ने साल 1922 च चोरा चोरी दी घटना तो बाद जद असहयोग अंदोलन खत्म करन दा ऐलान किया तां देश दे सब तो वड्डे क्रांतिकारी भगत सिंह दा अहिंसावादी विचारधारा तो मुंह भंग हो गया सी। फिर उन्होंने 1926 च देश की आजादी लई नौजवान भारत सभा की स्थापना की। अज जानते हाँ भगत सिंह के कुछ क्रांतिकारी विचार। बंब ते पिस्तौल नाल क्रांति नहीं आउंदी, क्रांति तां तलवारां विचारां दी शान नालों तेज हुंदी है। बेलोड़ी निखेधी ते आजादी विचार, यह दोवें क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। जिंदगी तां सिर्फ अपने मोढ़ियां ते जी जांदी है, दूजियां दे मोढ़ियां उपर तां सिर्फ अर्थियां ही चुकी जांदियां हन। लोगों दबा के भी तुसी उना दे विचारां नूं नहीं मार सकते। लोकी अक्सर चीजां मुताबक उसके इस्तेमाल के आदि हो जाते हैं। बदलाव के विचार नाल उना दी कंबणी छिड़ जाती है। इस कार्यशीलता की भावना इनकलाबी भावना नाल बदलन की लोड़ है। वह मैनू मार सकते हैं, मेरे विचारां नूं नहीं। वह मेरे शरीर नूं कुचल सकते हैं पर मेरी आत्मा नूं नहीं। जे बोलियां नूं अपनी आवाज सुनती है तो आवाज उच्ची होनी चाहती है। जदों असी बंब सुटिया साडा उद्देश किसी नूं मारना नहीं सी, असी अंग्रेजी हकूमतां उत्ते बंब सुटिया सी। अंग्रेजां नूं भारत छड़ के इस नूं आजाद करना चाहिदा सी। अज दे लई इन्ना ही, एक बार फिर मिलांगे तुहानूं पंजाब दीआं ताज़ा तरीन खबरां दे नाल। सति श्री अकाल।